आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रैली निकालकर यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया। बैतूल यातायात पुलिस द्वारा नगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में वाहन ऑटो रैली एवं जागरूकता रथ निकालकर वाहन चालकों को यातायात नियमों से जागरूक होने का संदेश दिया। बाजार में घूम घूम कर दो पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, तीन सवारी नहीं चलाने, चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने, ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर नशे की हालत में वाहन न चलाने, ओवरलोड माल सवारी नहीं भरने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करने की समझाइश दी गई। यातायात स्टाफ ने आम नागरिकों को वाहन से संबंधित सभी कागजात के महत्व को बताते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण कार्ड अपडेट रखने की सलाह दी। गजेंद्र केन ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि वाहन के जरूरी कागजात के अभाव में किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी मुआवजा देने से साफ इनकार कर देती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात थाना प्रभारी सर्विंद्र धुर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक दो से अधिक व्यक्ति गाड़ी पर सवारी न करे और हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाए, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दिया जाए, जैसी समझाइश दी गई। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। सर, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज आम जनता को जागरूक करने के लिए हमने रैली निकाली थी, जिसमें हमने ऑटो में संदेश मतलब देकर और एक हमने जागरूकता रथ भी बनाया है, जिसके माध्यम से लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई जो मोटरसाइकिल चालक हैं वो सभी हेलमेट पहने, तीन सवारी ना चलें, जो फोर व्हीलर वाहन वाले हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग करें, वाहन चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, जो भी यातायात के नियमों का सभी पालन करें। इस हेतु हमने आज शहर में वाहन रैली निकाली थी। इसमें जो नाबालिग बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं सर, हाँ, इनको भी जागरूक करने के लिए हमने ये सभी को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है। ये सर हर वर्ष निकाली? हाँ, हर वर्ष यह है, शासन की तरफ से कार्यक्रम रखा जाता है। अभी कितने दिन का है सर ये? 17 जनवरी तक रहेगा। हाँ।